अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। 2 अप्रैल को मामले को लेकर समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा पूरा देश बंद करवाया गया था। अजमेर भी इस प्रदर्शन में बंद रहा था, लेकिन अजमेर में हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इसी बीच उस दौरान पूर्व उपाध्यक्ष दुर्ग सिंह पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल के घर में घुसकर उन्हें थाने तक लाए थे। इस अवैध व्यवहार को लेकर डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने लिखित में शिकायत भी दी थी। दूसरी बात, आज समाज के लोग कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कि समाज के लोगों पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। हमने मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि आज से एक साल पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों पे जो अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है और जो उनको पीट पीट के मारा है, उन पुलिस दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो झूठे मुकदमे अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों पर लगाए वो इमीडिएटली हटाए जाएं, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। जस्ट बाहर ही निकल रहा हूँ। जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम पिछले वर्ष 2 अप्रैल 2018 को जो यहाँ पे तत्कालीन पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम दलित समुदाय के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया और बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसके पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के माध्यम से, राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल से और हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो भी पुलिस अधिकारीगण हैं जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर जो दलित समुदाय के खिलाफ रंजिश पर जो कार्रवाई की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और दलित समुदाय के विरुद्ध जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लोकतंत्र के अंदर हर समाज को अपनी बात कहने का हक है, अन्य कई समाजों ने भी लोकतंत्र के तहत अपनी बात रखी है, उनके मुकदमे भी वापस लिए गए। हमारी तो मांग है कि जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार उसे वापस ले, अन्यथा इस बात को लेकर दलित समाज के अंदर रोष है और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जायज़ बात है वो मानी जाए।